अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे केवी मिल्क शेक। तो देखिए हमारे पास ये 3 केवी है, तो हम ये 3 केवी की स्किन निकाल लेंगे। इस तरीके से हम इसकी स्किन निकाल लेंगे। देखिए हमने 3 केवी को कट कर लिए, इसकी सारी स्किन भी निकाल ली है। अब इसे हम बारीक बारीक कट कर लेंगे। देखिए हम इस तरीके से इसको कट कर लेंगे। इसमें देखिए जो बीज होते हैं, तो जब ये शेक बन जाता है तो ये जब आप जूस पियेंगे ये तो ऐसा क्रंची क्रंची लगेगा आपको। देखिए हमने ये केवी को कट कर लिए और अब हम एक जार ले लेंगे। हमने देखिए जार ले लिया, हम ये जार के अंदर ये केवी डाल देंगे। और ये देखिए हमारे पास ये 1 कटोरी शक्कर है। केवी थोड़ी खट्टी होती है तो इसमें थोड़ी शक्कर ज़्यादा डालेंगी, तो हमने ये 1 कटोरी शक्कर लिए। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। हमारे पास पिसी हुई शक्कर थी तो हम इसमें 1 गिलास देखिए हम दूध डाल देंगे। और ये देखिए व्हिप क्रीम है, ये बहुत सरासी है। आप अगर आपके पास है अवेलेबल तो डालिए, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। तो हम ये व्हिप क्रीम डाल देंगे, ये 4 से 5 टीस्पून व्हिप क्रीम है। और ये देखिए हमारे पास बर्फ है, वो बर्फ भी डाल देंगे और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। देखिए ग्राइंड हो चुका है और ये देखिए बहुत अच्छी तरीके से बन चुका है। अब हम इसे 2 गिलास में सर्व करेंगे। हमने देखिए 2 गिलास ले लिए, अब हम ये जूस को इसमें पोर कर देंगे। ऐसे हम व्हिप क्रीम से गार्निश कर लेंगे। देखिए केवी मिल्क शेक बनकर रेडी हो चुका है। रेसिपी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ दुआओं में, याद रखना। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे एक अच्छी रेसिपी के साथ।